हाँ तीजड़ की फिल्म मेरा रोल सीगा। सर खबर मिली है कि शमशेर सारंग के पुत्र का कतल हो गया, जे इस खूनी खेड में ना रोका गया तो शमशेर सिंह सारंग जरूर कोई ना कोई खून खेड खेडेगा। कहते फिर तो इस रोकने का एको तरीका सर कि शमशेर सिंह सारंग की हवेली के चारों तरफ नाकाबंदी की जाए ताकि उसकी हवेली विच ना कोई बाहर आ जाके ना कोई अंदर जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ट्रक ड्राइवर की ट्रक ड्राइवर से मनीन का मेरा रोल हों बाइक को लिया के ट्रक मेरे से मारना तो मैं सुता पे हूँ मैं आना और छालिया तेरी इन्नी जरूरत सरदार बुक्कन सिंह के मनीम तू गड्डी ना देवे मैं तेरे सीर में पीजू हो कहिंदे ने बंदा फर्श तो अर्श तक अते अर्श तो फर्श तक कदों पहुंच जांदा कुछ भी पता नहीं चलदा, समा कदों तुहानू किस तरह दी मार मारदा कहा नहीं जा सकदा। बंदा प्रसिद्धि खट्टन तो बावजूद जदों आर्थिक तंगियां चों गुजरदा है तां उसनू गलियां चों रेहड़ी भी लगाउणी पै सकदी है। अजिहा ही होया फिरोजपुर दे राज बजाज दे नाल। कई नामवर कलाकारां नाल पॉलीवुड अते बॉलीवुड फिल्मां करन तो बाद भी अज राज बजाज गलियां विच चूरन दियां गोलियां वेचण लई मजबूर है। राज बजाज कोलों कला की गई उह आर्थिक तंगियां विच जकड़े गए। जवान पुत दी मौत तो बाद अपने घर दा गुजारा करन लई राज बजाज नूं गली गली रेहड़ी लगा जहा काम करना पै रहा जो उन्हां ने कदे सोचा भी नहीं। राज बजाज दी दुख भरी दास्तान आओ सुणदे आं। देखो जी सब तो पहला मैं मीडिया वाल का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैनू इस लायक समझिया मैनू मिलना चाहा। राज बजाज मेरा नाँ है, मैं बहुत ही पंजाबी फिल्मों काम कर चुका, दो सीरियल बनाए ने न्याय दंड एक सी होर मैं याद नहीं आ रहा, हाँ दुश्मनी दी अग, काफ़ी मैं फिल्मा कर चुका पंजाबी जिन्हें कि मिर्जा जट बागी सुरमे मेरा पंजाब जैलदार प्रतिज्ञा तीजड़ दी विद्रोह कतलेआम जंग दा मैदान सरदारी पुरजा पुरजा कट मरे ट्रक ड्राइवर एक मेरी हिंदी फिल्म सी सोनू सूद नाल शहीद आजम जिन्हां विच सोनू सूद दा रोल सी भगत सिंह दा मेरा सी एडवोकेट वकील दा। एक मैं धर्म भाजी नाल धर्मिंदर नाल समगलर काम कीता सी अमरीश पुरी नाल विलन दा रोल। एक मैं सन्नी देओल नाल फिल्म कीती सी गदर साडे इत्थे फिरोजपुर शूटिंग होई सी। मेरे दो किरदार सी एक तो मुसलमान का रोल सी एक सी सरदार का रोल सी। इन्हें फिल्म में काम कर चुका। गल इस तरह जी हालात इंसान नू कितें ना कितें पहचान देंदे ने। हर कोई इंसान चाहता कि मैं भी बुलंदियां नू छुआं उपर तो उपर होर फिल्मा करा होर फिल्मा करा मेरा भी नाम होवे शोहरत होवे लेकिन वक्त के अगे हर एक इंसान नू झुकना पैंदा। मेरी घर की मजबूरी सब तो ज़्यादा मजबूरी मेरी गरीबी मेरे बेटे दो सी एक मेरे बेटे डैथ हो गई वो मेरे बापी साड़ी बहू जी बच्चे लैके पेके चली गई दिल्ली उत्थे मेरा छोटा ब्रदर है उन्हें काफ़ी हेल्प कर रहा उन्हां दी 10 लाख रुपए का मकान लैके दिता उन्हें मेरे पोत्र नूं आपदे नाल रख्या यानी कि मेरे नालों वध ज़्यादा उन्हां दी इज्जत कर रहा रिस्पैक्ट कर रहा देखभाल कर रहा। मैं उस वीर का देनिया सारी उम्र नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें पता सी भी ये बेचारा चूरन बेचता पहले बसा चूरन बेचता रहा तो यह खर्चा नहीं दे सकता लेकिन साड़ी मैं आपकी बहुटी बहू ने कहा भी कुड़िए तू इतें रह मेरे को मेरी रब ने मेरा बेटा खो लिया तो तुम मेरे को रवो वो कहते नहीं डैडी तुम इन्ना भार नहीं चुक पाओगे क्योंकि मेरे पेके ने उत्थे मेरी भैन आ मेरे भरा ने मैं उत्थे आपका गुजारा कर लेंगे इस वेले उत्थे रह रहा। और छोटा भरा जिहड़ा मेरा छोटा वीर रतन बजाज वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा मैं उन्होंने देनिया सारी उम्र की मैं 7 जन्म भी उन्होंने देनिया नहीं दे सकता नहीं तो अजक के जमाने भरा कोई नहीं पुछता वेख के मूँह परे कर लेंगे ने लेकिन वो मेरा सरवण भरा है। बाकी वक्त 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 मैं हूँ बस यही चूरनी बेच रहा जी मजबूर बस गरीबी क्योंकि मेरा बेटा छोटा है
मैं कम से कम भी ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 20-22 साल कम किया जी फिल्मों में। मशहूर कलाकार दारा सिंह नाल किया जी, कतलेआम फिल्म च सरदारी च दारा सिंह नाल किया, गुरदास मान नाल प्रतिज्ञा च किया, प्रीति सपरू नाल ट्रक ड्राइवर च किया, सिकंदरा च किया, बई योगराज नाल, गुगू जी नाल, प्रीति सपरू नाल, पंकज धीर नाल किया। मैं सरदारी फिल्म च अतवादी का रोल सी जी मेरा। बाकी मैं घर दियां दो फिल्म सी मेरी, दुश्मनी दी अग ते सुहाग जट्टी दा। बाकी एक होर पिछे जी गुरवेज सिंह की फिल्म सी मां मरे ना कोई, उन्दे विच मेरा मेन विलन खलनायक का रोल सीगा। नहीं जी फिल्म इंडस्ट्री मेरी किसी ने कोई नहीं बाँह फड़ी। जे मैं बई गुगू जी नाल जांदा सी ते ओह मैनु पर डे दिंदे सी। पिछे जी मैं शूटिंग करके आया भज्जो वे वीरो बई जी नाल, लुकन मीटियां, सहारा, वह बई जी मैनू कभी 2000 पर डे, कभी 3000 रुपया पर डे, यानी कि मेरा गया तो मैंने कहें बजाज तो उत्थे आ जा, उत्थे मैंने गड्डी बाल लेंदे सी, ज्यादा बार मैं उत्थे छड़ देंदे सी। सिर्फ सोचा तो सिर्फ से सिर्फ गुगू गिल जी। गुगू जी मेरे उस्ताद ने, मेरे गॉडफादर ने, मेरे सब कुछ ने। मैं उन्होंने दिलों रिस्पैक्ट इन्नी करना, वह भी मैं आपका वड्डा वीर समझते हैं, मैं भी उन्होंने आपका भरा समझना। प्रोड्यूसर मैं इकबाल ढिल्लों की फिल्म सी सब तो पहली बागी सूरमे, उन्हें जी मेरा अंग्रेज का रोल सीगा। उस तो बाद इकबाल ढिल्लों ते भूषण मदान की फिल्म सी धी जट्टी, उन्हें जी मेरा इंस्पैक्टर का रोल सीगा। बाकी होर काफ़ी डायरैक्टर नाल किया काम है, बहुत ही डायरैक्टर। अपना जगजीत गिल जिन्हें पुत जट्टा की फिल्म बनाई सी, उन्हें जी मेरा सी थानेदार का रोल। हाँ जी बाकी होर दर्शन बग्गा मेरा पंजाब विच किया, उन्हें भी शत्रुघ्न सिन्हा सीगा, वी एन शर्मा सी, अनिल शर्मा सी, दलजीत कौर सी, बहुत आर्टिस्ट अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सी, नामी बॉम्बे दे आर्टिस्ट सी, कुछ पंजाब दे आर्टिस्ट सी, जिन्हां नाल मैं काम कर चुका जी। मैं उन्होंने यो कहना चाहना, देखो जी तुसीं हर एक दा ख्याल रखो, आर्टिस्ट दा आर्टिस्ट हुंदा भावें उह वड्डा होवे भावें छोटा होवे, क्योंकि जिहड़ी इह आर्टिस्ट कला है इह गॉड गिफ्ट हुंदी है, ठीक है ना। ऐ नहीं तुसीं वड्डे वड्डे कलाकारां नूं कम दित्ती जाओ ते छोटे बेचारे वेहंदे रहि जाण। तुसीं उहनां नूं पेमेंटां वी दिओ, बेशक थोड़ियां दिओ, लेकिन उहनां नूं तुसीं पर्दे दे अग्गे लियाओ, ठीक है ना, क्योंकि उहनां दी आत्मा नूं शांति मिले। ठीक है भाई, मैं फलानी फिल्म से फलाने बग दर्शन बग्गे नाल काम किया, मैं शशि राज नाल किया, मैं जगजीत गिल नाल किया, अज वो मैनू बुला रहे हैं। परिवार दे विच देखो जी दो मेरे बेटे से, मैं कितने अगे एक बेटे की मेरी डैथ हो चुकी है, वो फैमिली जेडे मेरे दो पोतरे ने, एक पोतरी और मेरे बहू वड्डी, वो दिल्ली रहिंदे ने, वो मेरे छोटे वीर रतन लाल जी बजाज, वो काफ़ी उन्होंने हैल्प कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा जिन्ना वो सहयोग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये मेरी छोटी बहू है, ये मुंडा कपड़े का काम करता है, पिछले जी असं फरीदकोट रहे हैं, उत्थे कुछ करजे चढ़ गए, क्योंकि तुम पता लॉकडाउन की जी मार सारे पई है, इन्हों का उधार कोई 8-9 लाख रुपया इन्ना मर गया, तो लोगों ने लैन देने हो गए, तो सिर पर चढ़ गए लैन देने। उस तो बाद की किया जी डग्गी दे आ गए, हूँ डग्गी लाने कभी 200-400 बन जाता, कभी नहीं जाता, कुछ मैं रेहड़ी लाना चूरन बेचना, तो कम से कम ये बच्ची की 300-400 रुपया रोज की दवाई आ, उपरों पढ़ाई के खर्चे, उत्तों 5000 रुपया मकान का किराया, बिजली के बिल, तो मेरी जी मिसेज भी बीमार रही है, तो एक मैं तो मेरा बेटा जिहड़ा इस घर चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल दे नाल चला रहे हैं जी। नहीं जी मैनू सरकार वल्लों कोई नहीं मदद हो रही, मैं अपनी मेरी मदद करता तो सिर्फ वह वाहगुरु अकाल पुरख परमात्मा उ कर रहा है, होर मेरी मदद कोई नहीं कर रहा जी। देखो जी प्रशासन तो मैं कहना, देखो तुम लॉकडाउन लगाना है जरूर लगाओ, लेकिन थोड़ा जहा टाइम दो। दुकानदार देखो हूँ दुकानदार वीर ने, पांच उन्होंने मुलाजम रखे ने, उन्होंने तनखावें ने, देखो जी मुलाजमान ने तो आ सवेरे बैठ जाना, हूँ एक मुलाजम की कम से कम भी 10,000 रुपया तनखा है, तो 5 मुलाजम की 50,000 हो गई। देखो उन्होंने चाह भी पिलाते हैं, हो सकता कई खाना भी खिलाते हो। देखो हूँ जो मुलाजम 50,000 रुपया महीने का कढ़ना, उत्तों बिजली के बिल, उपर उन्होंने आपके घर के खर्चे, ये दुकानदार बाजार जाने तक किधर जाए। असी रेहड़ी वाले हाँ, सब्जी वाले ने, असी चूरन वेचण वाले हाँ, सानू भी थोड़ा जिहा टाइम दिता जाए, ठीक है ना, ताकि असी भी आपके घर का जिहड़ा ना खर्चा चला सकीए। हाँ फिरोजपुर तो सनी चोपड़ा की रिपोर्ट, बॉलीवुड तड़का पंजाबी। एंटरटेनमेंट नाल जुड़ी हर एक खबर लई साडा फेसबुक पेज बॉलीवुड तड़का पंजाबी लाइक करो, यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो ते इंस्टाग्राम पेज नू फॉलो करो।